जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग CSAT के टॉप 1500 प्रश्नों के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। ये सीरीज सभी प्रकार की स्टेट पीसेस एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया है 7² + 1 2³ × 5³ का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 7² + 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 मतलब 50 मतलब 50 है ना। कितना प्रतिशत है किसका, 2³ मतलब 8 और गुड़े 5³ 125। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। जैसे ही 100 से गुणा कराएंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले 25 से काटते हैं, 25 से होगा 100, 25 पंचे 125। फिर आगे देखिए इस 4 को काटेंगे यहाँ पे तो ये 2 बार आ जाएगा। देखिए 50 ऊपर है और 5 × 2 = 10 नीचे, 50/10 मतलब 5%। तो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, 5%। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित सेट के क्रमशः माध्य और माध्यिका क्या है। आपको माध्य और माध्यिका बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, अगर माध्य की बात करेंगे, मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। इसका सामान्य सा फार्मूला होता है, जितने पद हैं मतलब जितने भी टर्म्स हैं, सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हो जाएंगे है ना, और बटे नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसका फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए टर्म्स को यहाँ पे जोड़ेंगे, 15 हो गया है ना, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 22 जोड़ेंगे तो कितना, 54, 54 में 50 जोड़ेंगे 104, 104 में 16 जोड़ेंगे 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, 140 और बटे टोटल टर्म है 7, तो भाग करेंगे आंसर आ जाएगा 20। तो देखिए जैसे ही आपको आंसर 20 मिला तो ये क्लियर हो गया कि या तो आंसर ए बनेगा या तो बी बनेगा, सी और डी कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसका मीडियन भी बताना है, तो मीडियन बताने के लिए देखिए यहाँ पे ऑड नंबर में टर्म है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एन प्लस 1/2। अब यहाँ पे 7 और 1 8/2 मतलब 4, जो चौथा पद होगा वही आंसर बनेगा मतलब फोर्थ टर्म। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 15 आएगा, तो ये तीन आंसर नहीं होंगे, इसके बाद 16 आएगा। तो 16 जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इसका जो मीन है 20 है और जो मीडियन है वो 16 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 78 दिया। ऋतु के पास 400 आम थे, उसने 60 आम 25% के लाभ पर, 80 आम 20% के लाभ पर, 120 आम 10% के लाभ पर और 140 आम 20% के हानि पर बेचे, और तो शुद्ध लाभ आपको बताना है कितना होगा। अब मान के चलिए ऋतु ने हर आम 1 रुपए में खरीदा था है ना। अब यहाँ पे देखिए 60 आम जो है 25% के लाभ पर बेच रही है। देखिए जब सभी आम को उसने 1 रुपए में खरीदा था, 60 आम पर जब वो 25% का लाभ ले रही तो 75 रुपए में बेच रही है। आगे बोला जा रहा है कि जो 80 आम है ये 20% के लाभ पर बेच रही है, 20% का लाभ मतलब यहाँ पे 16 रुपए का लाभ होगा तो 96 में इसे सेल कर रही है। 120 आम 10% के लाभ पर बेच रही है मतलब 12 रुपए का लाभ हो जाएगा, तो ये 132 रुपए में बेच रही है। आगे देखिए क्या दिया जा रहा है, 140 आम ना उसने 20% की हानि पर बेच दिया। हानि का मतलब 140 का जब 20% निकालेंगे तो 28 आएगा, 28 रुपए का हानि हो गया मतलब 112 रुपए का उसने बेच दिया। देखिए ऋतु ने 400 रुपए में 400 आम खरीदे थे और उसने इतने रुपए में 400 आम बेच दिए, तो अब देख लेते कितने रुपए में बेचा है उसने। देखिए 75 और 96 इन सबको जोड़ना है, ये जितने भी चार नंबर से 2, 2, 4, 6, 10 और 5, 15 एक हासिल है है ना, 2, 3, 5, 5 और 7, 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 2 हासिल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2, 2, 4, 415 रुपए में उसने बेचा है, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर, 400 रुपए पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15/4, 15/4 का मतलब हो जाएगा 3 सही 3/4% का इसे लाभ हुआ, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि यहीं पर आसानी से बनाया जा सके। देखिए यहाँ पर दिया 0 से 2 हो गया है ना, 2 से 6 हो गया, 6 से 12, 12 से 20,
यहाँ पर नहीं पता है क्या आएगा और यहाँ पर भी नहीं पता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है, आप डिफरेंस देखिए, दो का डिफरेंस है, चार का है, छः का है, आठ का है, तो अगला दस का रहेगा, दस के बाद बारह का रहेगा, तो दस का डिफरेंस रखेंगे तो बीस दस तीस, इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। इसके अतिरिक्त आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए वन का स्क्वायर माइनस वन एक हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस टू दो हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री यहाँ पे सिक्स मिलेगा, फोर का स्क्वायर माइनस फोर, फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव, सिक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स, तो आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं। कौन सा तरीका आपके दिमाग में पहले आया था ये कमेंट करके बताना। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है ना, 72 के बाद सीधा 80, अच्छा ये मतलब गलती से 72 लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग बताइए, आपको माध्यिका बताना है और इसके बाद इनका बहुलक बताना और लास्ट में दोनों को जोड़ देना है। तो मीडियन निकालने के लिए आप टर्म काउंट कीजिएगा, दो चार छः आठ नौ, नौ टर्म है तो नौ प्लस एक बटे दो, मतलब जो फिफ्थ नंबर का टर्म रहेगा वही देखेंगे। जब इनको अरेंज करेंगे देखिए, सबसे पहले ग्यारह ग्यारह, दो बारह बारह है ना, तेरह तेरह, तो पांचवा टर्म है तेरह, इसके बाद इसके मीडियम इसका जो मोड है मोड देखना है, तो सबसे ज़्यादा बार जो इसमें आया है कौन आया है, तेरह आया, एक दो तीन बार तेरह है, तो यहाँ पर तेरह लिखेंगे, तेरह और तेरह छब्बीस, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 81 दिया, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की तीन गुना है, यदि चार साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये प्रश्न आप कई तरीके से बना सकते हैं, इसका बेसिक आप ऐसे मान लीजिएगा, देखिए यहाँ पर फादर और यहाँ पर सन, जो फादर की आयु है कितनी है, यहाँ पे देखिए तीन और एक, पिता की आयु तीन गुनी, तो मतलब पिता 3x का है और पुत्र कितने का, x का है, चार साल बाद पिता भी बढ़ेगा और पुत्र भी बढ़ेगा, इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13:5। अब इस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी और आप पिता की उम्र बता लेंगे। देखिए जैसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे 5 × 15x प्लस 5 × 20 बराबर 13x और प्लस 13 × 52, ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा और इसको इधर भेजिएगा, तो आप लिखेंगे देखिए इसको इधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा 15x में से 13x गया तो 2x और बराबर 20 को इधर भेज दीजिएगा, 52 में से 20 जाएगा तो 32, x बराबर 16, x बराबर 16 आ गया, x बराबर 16 आ गया तो पिता की वर्तमान आयु 3x है, 16 × 3 = 48, विकल्प इसका सही बनेगा। एक तरीका ये रहा, दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड। देखिए यहाँ पर फादर है यहाँ पर सन है, इनकी आयु का अनुपात 3:1 है ना, चार साल बाद ये 13:5 हो जाएगा। अब इनके डिफरेंस को देखो, यहाँ पर डिफरेंस है दो का, तीन और एक में दो का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है आठ का, डिफरेंस तो बराबर रहेगा, बराबर का मतलब जैसे जो पिता और पुत्र के आयु का अंतर है, जैसे दोनों में 10, 15, 20, 25, 30 साल का जो भी अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर ना ऊपर आप चार से गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो का अंतर है, यहाँ पर आठ का अंतर है, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर आप चार से गुणा कराएंगे, तो 3 × 12 हो जाएगा और ये चार एक का चार हो जाएगा। देखिए अभी इसका डिफरेंस एक है और इसका भी डिफरेंस एक है और उम्र कितना बढ़ा है, मतलब समय चार साल बीता है, तो एक की वैल्यू चार है तो 12 × 12 = 48, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आपको बताना है, 0.6 × 0.6 × 0.6, इसको ये मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो सीधा सीधा आप लिख लेंगे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो लास्ट में कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब समझ रहे, 0.06 प्लस 0.04 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.1 आंसर आएगा, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 83, पुरुषों की एक निश्चित संख्या 40 दिनों में एक काम कर सकती है, अगर 6 पुरुष और होते तो 8 दिन कम में कार्य समाप्त हो जाता, पुरुषों की शुरुआती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पुरुषों की निश्चित संख्या में नहीं पता है कितनी है, संख्या x है, काम 40 दिन में हो रहा है, ठीक। अब आगे बताया जा रहा है कि अगर पुरुषों की, अगर 6 पुरुष और होते, मतलब अगर x प्लस 6 पुरुष हो जाते तो काम कितने दिन में होता, 8 दिन कम लगता, मतलब 32 दिन में ही हो जाता। बताना है कितने पुरुष है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 40x बराबर में 32x प्लस 32 × 6, इसको ट्रांसफर कीजिएगा इधर, 40x में से 32x जाएगा तो 8x बराबर 32 × 6, x को यहाँ पे 8 से काटेंगे 8 × 6 = 32, x बराबर 6 × 6 = 24, जो स्टार्ट में काम पर लगे थे कितने लोग लगे थे, 24 लोग, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का अंतिम लक्ष्य है, आपको बताना है कि संचार का अंतिम लक्ष्य कौन सा है, प्रामाणिक जानकारी भेजना और प्राप्त करना। जब भी ट्रांसमिशन होता है तो इसका अल्टीमेट जो गोल होता है यही होता है कि प्रामाणिक जानकारी भेजना और प्राप्त करना, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा।
प्रश्न संख्या 85 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संगठनात्मक संचार नहीं है, मतलब आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नहीं है। निम्नवार, ऊर्ध्वाधर, दिशाहीन, तिर्यक रेखा दिशा में। तो दिशाहीन जो होगा ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 86 दिया है, सही कथन चुने, सुनना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद आगे दिया है, सुनाई देना एक सुविचारित प्रक्रिया है। देखिए ये बोला जा रहा है कि सुनना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है ना, और सुनाई देना एक विचारिक प्रक्रिया है, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो न तो एक न तो दो, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, न तो एक न तो दो। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 87 में कहा जा रहा है कि सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान करना है, शब्दार्थ संबंधी बाधा है ना, ये पदानुक्रमित प्रतिबंध, संप्रेषण में अविश्वास, जागरूकता में कमी, दोषपूर्ण अनुवाद है ना, शब्दार्थ दोषपूर्ण अनुवाद से आएगा। आगे दिए मनोवैज्ञानिक बाधाएं है ना, ये संप्रेषण में अविश्वास, तो ये विकल्प यहाँ पे ये मैच करेगा। संगठनात्मक अवरोध, ये होता है पदानुक्रमिक प्रतिबंध के कारण, और इसके बाद एक बचा है व्यक्तिगत बाधाएं, जागरूकता में कमी। अब इन सबको जब मैच करेंगे तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषता कौन नहीं है, यह एकल दिशा में संप्रेषण होता है। मतलब देखिए जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो दोनों दिशा में होगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं होता है, तो उत्तर में शामिल होगा। श्रोता और वक्ता के बीच एक शरीर क्रियात्मक संबंध होता है, ऐसा नहीं होता है, तो ये भी उत्तर में शामिल होगा। इसमें फीडबैक एक विशेष आवश्यक हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत है, तो तीनों गलत है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी पश्चिम दिशा में, अच्छा यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देखिए 89 के बाद आगे 100 क्वेश्चन इस स्लाइड में है, यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन है इस सेट में, तो ये 89 से लेके 100 मतलब 12 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।